पूरे घर में उधम मचावा है क्योंकि डिटेल डीप सफाई स्टार्ट करा दी है। यहाँ पे सारा सामान बिखरा हुआ है। बिल्ली का भेजा है हम लोग ये काम शाम करके आते हैं, फिर आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, बस वो बैठा के आपको मैंने दिखाना है। अभी देखना, अभी हम आएंगे अभी। एक छे मैं निकालती हूँ, आप निकाल लें और फिर दोनों मरेंगे, दोनों चले जाएंगे। दो गोटियां, छह आ गया। लेकिन आपको पता है कि दिन शुरू हुआ है एक बहुत ही मैस के साथ। कल हम लोग अपने घर की लगे हुए थे सफाइयां करने, एक रूम सेट करना था, बस उस रूम को सेट करते करते जो है ना वो हमारे सारे घर में उधम मच गया। ये आप एक उधम, दो उधम, तीन उधम, चार उधम, सारा सामान मैंने उठा के साइड पे रखा हुआ, ये भी फिलहाल ये भी उधम उधम ही हुआ हुआ है। तो मतलब पूरे घर में उधम मचा हुआ है क्योंकि डिटेल डीप सफाई स्टार्ट करा दी है, जो वो कमरा था उसकी, और ऊपर छत की सफाई जो है ना वहां पे लोग बुलवा लिए हैं कि साफ सुथराई जो है ना वो करते हैं। मौसम भी बहुत प्यारा है, ऊपर सफाई हो रही है, आवाजें आ रही हैं आप लोगों को भी, ये ठक 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 ठक। अभी हम लोग चलते हैं ऊपर। ओ माय गॉड, ऊपर जाने से पहले यार ये क्या हवा चल रही है, ठंडी मौसम, ओए खूबसूरत मौसम हुआ है। लेकिन इस प्यारे मौसम में अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया तो ज्यादती है यार। सासा पकौड़े खाएं, सासा खाना खाएं, सासा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। वैसे आप सोचोगे कि सफाई सफुई क्यों जरूरी है भाई, होम टूर आना है ना, सब लोग इंतजार करें ना होम टूर का। बस उसी होम टूर के चक्कर में ना मैंने सारे घर को जो है ना वो उधम बुधम कर दिया, बस सफाई करेंगे ताकि जल्द से जल्द आपके लिए होम टूर लेके जाऊं। ये देखो जरा यहाँ पे सारा सामान बिखरा हुआ है, सफाई हो रही है, आधे बच्चे। बेटा आपकी बोखर चलाने की उम्र है, क्या हाल है? और ये बेचारे पोकेमोन तैयार करके सासा काम हो रहा है, सासा चीजें हो रही है। बिल्ली, इतने सारे बच्चे हैं भाई, बिल्ली नहीं नजर आ रही है। नानो की तरफ चली गई है, तो वो सुबह मेरे से मिले बगैर चली गई है। ऐसे कैसे बिल्ली उड़न छू होगी मिले बगैर, ये गलत बात है। बिल्ली पनिशमेंट हमने कल भाभी को दी थी, वो हमें पनिशमेंट देके चली गई है। बिल्ली को पनिशमेंट देनी पड़ती है। बिल्ली बेचारी को क्या बचा, कितने दिन के लिए गई है? ये कंफर्म नहीं है, डैडी ने कॉल की थी आपको। हमें कॉल की थी, मैं सोई हुई थी, बोला मैं आ रहा हूँ। हाँ, दो घंटे बाद आया नहीं, मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया है, ये गलत बात। मैं अरीब को पूछती हूँ ना, खबर कब फोन तो उठा लेते हैं यार। मैं हम सब तब तक सफाइयाँ हो रही है, मैं जरा अरीब को बता गया क्योंकि बिल्ली ना उड़न छू हो गई है। वालेकुम अस्सलाम, किधर है सारे? बिल्ली नहीं है। किधर है बिल्ली? तीन दिन के लिए फैसलाबाद गई है। क्यों? मिले बगैर। वो उनको कोई काम था तो वो लोग चले गए अपनी मम्मी के साथ। सोने वाली हमारी चीज है ना, हर चीज हमारे सोने पे डाल देते हैं। अरे वो कह रहे हैं कि वो हमें जगाने आए थे। आप बताओ, कोई साउंड आया? मुझे तो कोई साउंड नहीं आया। क्या था मिलने आप लोगों से? आप लोगों ने दरवाजे नहीं खोला, वो चाची चाची कह रहा था। अगर चाची चाची कह रहा था, फिर सोई हुई थी, जैसे कहा चाची 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 कह रहा था, फिर अच्छी बात है, नहीं मिले चाची तो फिर मिल के जाते हैं। बिल्ले के पास यार? नहीं भाई, ये जाती है वैसे। हाँ, भाई कह रहा बिल्ली बिल्ले के पास, कौन सा फैसले बाद में बिल्ला ऐसा? नाना वो बिल्ला, नाना अंकल देख ले आपको बिल्ला क्या है, आपने नहीं कहा आपको। बेसिकली ना भाभी के जो फादर है वो रहते हैं फैसलाबाद में, उनकी मदर भी, तो इसलिए वो लोग वहाँ गए हैं। उनका दूसरा घर है लेकिन रहते ज्यादातर वहाँ पे हैं, तो वो लोग वहाँ गए हैं और बिल्ली उनके साथ गया है बिल्ले के पास। यानी कि मेरे साथ तो प्रैंक कर दिया भाई, कल से वो सीख रहा था नया नया, चाची चाची कहना फिर भूल जाएगा वो। इतनी मुश्किल से वो सीखता था, ताताऊ ताताऊ चाची, वो बड़ी मुश्किल से कहता। कल उसने बोला था कैमरा में रिकॉर्ड नहीं वाले, कल मुझे आवाजें दे रहा था, सेटिंग कर रहा साथ, कह रहा चाची। मैंने कहा यहाँ क्या काम है, चाची सोई रहे। चले गाइस, बिल्ली ने तो हमारे साथ कर दिया प्रैंक, बाकी का हम काम शाम कराते हैं। चलो, बिल्ली बेचारी रौनक लगाई रखती थी, आएगी तो फिर मिलेंगे उससे। अब जो है ना वो सफाइयां वगैरह करने के बाद हम लोग जो है वो अपने सारे घर वालों को यहाँ बिठाएंगे, मतलब मैं, और सबको बहुत स्पेशल चीज दिखाने वाली हूँ। क्या ये तो भी मैं अपने घर वालों को, जब तुम मुझे स्पेशल दिखाओगी तो स्पेशल जाहिर सी बात मुझे पता है, लेकिन उन लोगों ने मुझे देखा हुआ है बचपन से, देखते आपको नहीं दिखाना मैंने। री, बहुत ही स्पेशल यही है ना। अच्छा अच्छा भाई,
भाई आप लोगों ने बस हम लोग ये काम शाम करके आते हैं, फिर आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, बस वो बैठा के आपको मैंने दिखाना है, ठीक है? आप लोग भी रेडी रहो, ओके? फिर भाई को दिखाना है, आप सब लोगों को, आप बाजी को भी, ठीक है? हम लोग आ गए ऊपर और ऊपर हमारे स्टोर की सफाई हो रही है और ये डब्बे गाइस, ये एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। अभी ना नहीं, नो, बट ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, सारे डिब्बे आपको बहुत जल्द दिखाने वाली हूँ मैं, इसमें क्या है। कौन कौन चाहता जरा कमेंट में हाजिरी लगवा दो, कौन कौन चाहता है ये जानना कि इन डब्बों में क्या है। ये देखो इतनी तारे शारे, ये सारी बिजली की, जब घर बनाया था ना, हाँ। सारा पेंट शेड सब कुछ फेंकना है, इसको सेट करना, ये है। सारा सेट करना, ये ऊपर वाला जो शीशा ना जिसकी वजह से मेरे टीवी लाउंज में बहुत अच्छी रोशनी आती है, बस इसको भी आज साफ कराएंगे, बोरियां शोरियां उठाएंगे, ये चीज उठाएंगे, ये चीजें जो देने वाली है देंगे। बारिश शुरू हो गई है छोटी छोटी, ये बिस्तर सारे ये गीले हो जाएंगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तकरीबन सारा काम हो गया हुआ, ठीक है? आधा सारा स्टोर भी साफ हो गया, अभी यहाँ पे सफाई वगैरह होगी, धोएंगे इसको, ठीक? यस यस शशु। और ये जो चीजें है ना, ये रजाइयां, इनको धोने के लिए देके आना है, ये अभी मैं देके आता हूँ, फिर पता नहीं क्या सरप्राइज देखा मैडम ने, सरप्राइज देना है। इकड़ा मैडम बहुत काम करी, नीचे जाके बच्चों को चॉकलेट खिला रही है और मुझे काम पे लगा गई है। ऊपर की काफी हद तक सफाई जो है वो हो चुकी है, तकरीबन काम वाइंड अप हो चुका है, लेकिन नीचे जो है ना वो मैंने सोचा कि मैं सारे ये सर्दियों वाले कपड़े उठा के जो है वो रख दूंगी, क्योंकि सर्दियां जा चुकी हैं, बाकी सारे मैंने कपड़े भी यहाँ ढेर लगाया हुआ है, ब्लैंकेट्स हैं जो मोटे वाले वो भी रख दूंगी, ये चीजें भी बाहर शिफ्ट होंगी, वहां का जो है ना वो आधी आंच पे काम हो चुका है, हल्की आंच पे, और वो भी रह गया, ठीक है? लेकिन ऊपर का जो हमारा मेन था ना स्टोर रूम, वो हमारा सारा सेट हो गया है, साफ सुथरा हो चुका है, और अरीब साहब भी आए थे यहाँ पे, अरीब साहब भी साफ सुथरे हो गए हैं, बड़े काम शाम करा के आए हैं। आपने बच्चों को चॉकलेट खिला दी है, अपना काम कर लिया। देखें, बच्चों को भी टैकल करना एक टैलेंट है, ठीक है? और वो हर किसी के पास नहीं, बहुत बड़ा टैलेंट है जी, आपके पास बहुत बड़ा टैलेंट है। और बच्चे या तो चाची के पास आते हैं या मामी के पास आते हैं, ना मामू के पास आते हैं ना चाचू के पास आते हैं। सफाई ऊपर से हमने करा दी है, ठीक है, हो गई है। अच्छा चले, अब अरीब एक जो सरप्राइज था, अब चले मैंने घर वालों को नीचे इकट्ठा कर लिया, ठीक है? अब आपको लेने के लिए आई हूँ। क्या सरप्राइज है? आएंगे तो बताऊंगी ना यार, पहले बताओ क्या सरप्राइज है, पहले बता दूं, आए देख के बताऊंगी ना, आपका रिएक्शन ही तो मैंने नोटिस करना यार। चलो आज लोग भी सोच रहे होंगे पता नहीं क्या सरप्राइज है, क्या सरप्राइज, मुझे कुछ पता नहीं क्या सरप्राइज है, पता नहीं क्या दिखाने वाली हूँ आज मैं। आज सारे घर वाले जमा है और अब जो है ना वो हुआ जाता है सही वाले सरप्राइज का टाइम। लेट्स गो। हम लोग पहुंच चुके हैं नीचे और सब लाइन में बैठ चुके हैं। आपको याद है मैं एक दफा दुबई गई थी? एक दफा तो नहीं गई, बड़ी बार गई हूँ। एक दफा अपनी बहनों के साथ गई थी। हंस क्यों रहे हैं? सॉन्ग आ गया। हाँ जी, तो आपको सबका रिएक्शन लेना, मेरा गाना आ गया, आप लोगों ने मेरा गाना देखना, ठीक है? मेरा गाना किस नाम से आया? किस नाम से आया? सालसा एस एल एस ए। मैंने नहीं गाया, मैं अंदर आई हूँ, मैं और मेरी बहनें आई हैं। मेरा गाना देखना अभी यहाँ पे, वो देखो बोहेमिया के साथ आया, लग ही नहीं रहा गाना आ गया है मेरा। सागा म्यूजिक की तरफ से अरीब, आपने रिएक्शन देना है सही प्रॉपर, और आप सब लोगों ने भी देखना है। यस देखे जरा, नहीं इकरा नहीं है अरीब, अभी देखना, अभी हम आएंगे अभी। हम लोगों ने इतने लंबे लंबे फ्रॉक्स पहने थे सहरा में, चेक करो जरा, पहले सारे बच्चों के कपड़े बन जाएंगे इसमें, सारे बच्चों की सही बात है, सबके कपड़े बन जाएंगे। क्या हो गया तेरा साल साल सब में तुम हो गया, हो गया बहुत प्यारे लग रहे हैं, कौन अच्छा लग रहा है? इकरा हाँ ये देखिए मेरा बंदा कैसे अच्छी एक्टिंग की है, अच्छी नहीं थी मुझे तुम्हें, अच्छी एक्टिंग की। अच्छा एक्टर हो तुम, बहुत बड़ी पता है मुझे। बोहेमिया भी कहेगा कि आपकी रील्स वायरल जाती है, हमारे बारे में लाइन बोल रहा है। अच्छा बोहेमिया हाँ जी, उधर भी खाना खा रही है, आइसक्रीम खा रही है, सॉन्ग में भी खाना खा रही है, आइसक्रीम खा रही है, सॉफ्री सही बात है, मैंने मंगवाया ही सॉन्ग में, देखो हम खाना शाना खा रहे हैं। मुझे पसंद है गाइस स्ट्रॉबेरी। गाइस अगर आप लोगों ने भी अभी तक गाना नहीं ना सुना तो सागा म्यूजिक का ये सालसा सॉन्ग एस्ट्रोलॉजी वाला लाजमी जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, कमेंट में भी पिन कर दिया, जाके अभी सुने फटाफट, और कमेंट करना है कि एस्ट्रोलॉजी की वजह से है। ओके देखो तीनों लड़कियां, अरीब यहाँ देखना, तीनों लड़ रही हैं।
उसके साथ मिला रहे हैं। बड़ी मजे की बनी हुई है। हाँ अच्छी बनी है, बहुत अच्छी वीडियो है, बड़ा मजा आया था। पता है मुझे शूट करने का बहुत मजा आया था। गाने में पूरा परफॉर्म किया बनता है, लेकिन कैसा लगा सबको? मुझे तो अच्छा लगा। सबको कैसा लगा? सही था सबको, कैसा सबको ठीक है। तो एक बात हो, हाँ क्या सर क्या तुम भी क्या कह रहे हो? आपको आवाज नहीं आता? नहीं आता ये क्या था? मैं मारूंगी आपको ये साल से। हाँ अरे आप करके दिखाओ। मुझे तो खुद भी नहीं आता, मैं तो मानता हूँ। ये लगाऊं ये लगाते नहीं, व्लॉग देखना उसने ये लगा। हाँ, ये व्लॉग देखने हैं। लेकिन ये क्या था? ये तो सालसा स्टेप मेरा सोच हो गया, पता नहीं मुझे। लेकिन अच्छा था, अच्छा था, अच्छा लगा, अच्छा कैसा लगा सबको बता दो। इतना अच्छा ट्राई किया, ट्रीट चाहिए। बिल्ली आपने भेज दी है, अब आपको मैंने तो बिल्ली को ट्रीट देनी, आपको भी दूंगी। ठीक है, आज अभी अभी हम लोग जो है ना वो खाने छाने का इंतजाम करते हैं, क्योंकि ट्रीट देते हैं घर वालों को। बड़े अच्छा रिएक्शन आया। अरे उधर उड़ गए। A few moments later. तो चले जी गाइस, रिएक्शन तो सबका बड़ा मजेदार था। फिर हमने सोचा कि सारे जो मेरे इन लॉज वाले इकट्ठे हुए हुए हैं, हम लोग मिलके कोई गेम खेलते हैं। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट कर ली लूडो। मैं और बाजी खेल रहे हैं यहाँ पे, हम दोनों पेयर में हैं, भाई और भाई हैं। ठीक है, अरीब के भाई और बाजी के हस्बैंड दोनों मिलके। और अरीब साहब आप खाना लेके आए फटाफट। अच्छा ओके, मैं खाना शाना लेके आया। जीत जाना, ठीक है जीत जाऊंगी, टेंशन नहीं लें। जीत जाएं, जीत जाऊंगी, टेंशन नहीं लें। सही है, ठीक है मैं लेके आ रहा हूं। आप खाना शाना लेके आए, मैं बस अब सनसनी खेज आए। बाजी हम लोगों ने ना हराना है इनको, बॉयज को, गर्ल्स वर्सेस बॉयज चल रहा है और दोनों प्लानिंग कर रहे हैं। अब मेरी बारी है ना, अभी हम आ रहे हैं ना करें। गाइस गेम में दोनों आदमी हंस रहे हैं हमारे ऊपर, क्योंकि इनके साथ ये हुआ है, वो लोग दोनों गेम खेल रहे हैं और ये दोनों मेरी, ये एक जो मेरी बहन है और मेरी बीवी है, ये लोग घर में बैठे हैं। ये देखिए चार गोटी मार गई, चार गोटी मार गई। इतनी देर हो गई, छह ही नहीं आ रहा यार। आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, छह आ जाओ प्लीज। चलो जी देखते कौन जीतता, देखते कौन जीतता। दो के दो छह चार, एक छह मैं निकाल दूं, एक छह आप निकाल लें और फिर दोनों मरेंगे, दोनों चले जाएंगे। हुआ कुछ यूँ है कि लड़कियां गेम जीतते जीतते इनकी एक एक घर बिठा दी है। ठीक है, एक ही है, एक ही है वो, एक गोटी से ना लो खुल गई वो, नहीं अभी जाएगी, अभी जाएगी, जाएगी ना बस। ठीक है एक तुम लोग खेल लो, मेरी गेम छह पाँच गोटी, छह तीन आया पक्की गोटी, छह पाँच यार। गेम बहुत सनसनी हो गई है, अरीब के आने से पहले लड़कियां जीतनी चाहिए। हो गया मारी नहीं गई, हाँ गुड गुड, चलो नाउ इट्स माय टर्न। ओके टू, यार ये गलत टाइम पे कहाँ आता है यार, ये जो खड्डा है ना ये बहुत। गेम इस वक्त फुल इंटेंसिटी तैयार किए हुए है और कुछ समझ नहीं आ रहा इस वक्त, मेरा आधा दिमाग चल। पांच चार आया, गई एक का ना, अब खड्डा आ जाएगा। तीन छह चार से फिर वापस, अभी ये चार से फिर चार से फिर गई भाई वापस। अब तो भाई अरीब भी आ गया, अरीब आ गया, क्या कह रहे हैं? अभी तक लग चल रहा था, अब अरीब आ गया यार, क्या क्या चल गया रैम की एक गोटी रह गई है। यस, और उनकी एक गोटी जो है ना उसको हम छह दफा मार चुके हैं। तिकनी का नाच नचाया भाई, मैं खाना नहीं लेके आया, गाड़ी में छोड़ा है खाना की, पता नहीं क्या चीखे मारने लगे, ख्याल लेके आए जल्दी से खाना। ठीक है तब तक हम जीतते हैं, क्या क्या छह दो टेंशन डाल रहे हैं, टेंशन बेगम के हाथों से मर रहे हैं, फुल ऑन। मुकाबला बड़ा सख्त हो गया है, ये फीमेल पार्टी की दो गोटियां रह गई है, मेल पार्टी की एक गोली रह गई है, और ये देखो यहाँ पे होगी एक गोली है। रेड जो है रेड मेल पार्टी की है और वो लोग निकल गए आगे, रेड नहीं ग्रीन उनकी, अरे ग्रीन उनकी है। अब बस जल्दी बड़े दने डबल छह आ जाए, चार है, चलो देखते हैं एंड क्या होता है। अब छह चार, एक दो तीन चार, इनको छह चार चाहिए जीतने के लिए। बॉयज पार्टी को एक चाहिए जीतने के लिए, गर्ल्स पार्टी की दो गोटियां हैं। छह आ गया, पांच,
स्लो एंड स्टेडी टू विन द रेस, खरगोशों की तरह दौड़े लगा रहे थे पूरी लूडो में। शाबाश शाबाश, गर्ल्स जीत गई है, गर्ल्स जीत गई है और बॉयज हार गए। अब खाना चाहते हैं क्योंकि मैं पिछले घंटे से इनकी गेम देख रहा हूँ खाना खाने के लिए। अब खाना खाया, इसको 1 hour later लोगों ने खाना शाना खा लिया था और गेम हमारी आज बहुत ही मजेदार रही है, बहुत ही लेवल की रही है। और मजा आया वैसे आपको? मजा आया इंटेंस हो गया, इंटेंस हो गया था माहौल। जैसा कि आपको पता है कि रमजान में हम लोगों ने एक अहद किया था कि हम अपनी अर्निंग का जो हिस्सा है वो अपने प्यारे बहन भाइयों के नाम करेंगे, अपने जो मुस्तहिक लोग हैं उनको डोनेट करेंगे, ठीक है। तो अब जो है वो फाइनली हम लोग ईद वगैरह से हो गए फ्री, और वैसे तो हमने काफी चीजें डोनेट की हैं, लेकिन अब जो है वो मैंने और अरीब ने डिसाइड किया है कि हम अपनी डोनेशंस जो हैं वो अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के नाम करेंगे, क्योंकि वो इस वक्त जंग की हालत में, अल्लाह पाक उनकी हालत पे रहम करे, हमसे जितना हो सकता है हम उनके लिए करें, जितना डोनेट हो सकता है उतना डोनेट करें, और दुआएं तो हम उनके लिए करते हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां करे इंशाल्लाह। तो गाइज आप लोगों ने मेरी मदद इस तरह से करनी है कि आप लोगों ने कॉमेंट में मुझे ऑथेंटिक सोर्स के बारे में बताना है जहां पे मैं अपनी रकम डोनेट करूं तो उन लोगों तक जो है वो पहुंचे, हमें इस बात का यकीन हो कि हमारी जो अमाउंट है वो उन तक पहुंच गई है। बस आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि ये सोर्स, ये जगह, ये अदारा है कि यहाँ पे अगर आप डोनेट करेंगे तो ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह उन तक पहुंचेगी, तो फिर मैं और इनका इंशाल्लाह वहां जाएंगे उसको डोनेट करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने जो है वो उम्मीद करती हुई आज का वीडियो, आज का व्लॉग भी बहुत इंजॉय किया होगा, इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी कल के व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।